रिश्ता जोड़ने के लिए सीडी टीवी को सब्सक्राइब करें। सीडी टीवी के नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओम साई राम। रात को सोते समय इन वचनों और चमत्कारों को जरूर देखें। दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं तो हमारा बाहरी शरीर ज़्यादा सोता है, लेकिन हमारा आंतरिक शरीर वो है जिसे हम चेतन शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह जागृत अवस्था में रहता है। हम देखते हैं कि बाहरी शरीर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन भीतर का शरीर क्या है, वो तो परमात्मा से जुड़ा है। इस आंतरिक शरीर द्वारा की गई प्रार्थना भगवान तक पहुँचती है, इसलिए हमें सोते समय भगवान का नामस्मरण करना होता है, ताकि हमें बुरे सपने ना आए, हमें भूत प्रेत से परेशानी ना हो। कहीं लोगों को रात में नींद ना आने की समस्या होती है, तो इन सब के लिए हमारे पास रात को सोने से पहले कहने के लिए कुछ मंत्र है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रात को कब सोते हैं और सोते समय हमारी दिशा कौन सी है। कहीं हम गलत दिशा से तो नहीं सोते हैं? दिशा सही होनी चाहिए। यदि हम गलत दिशा में सिर करके सोते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव हम पर पड़ता है। इसलिए जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। याद रखें, हमें पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। हमारे जीवन में अधिकतर समस्या सिर की गलत दिशा के कारण ही होती है, तो हमें यह बात याद रखनी है। जब हम सोने वाले होते हैं तो जो भी हमारा इष्ट देवता हो उसका नामस्मरण हमें करना है। प्रतिदिन आप सोने से पहले देवादिदेव भगवान भोलेनाथ का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। इसके बाद आपको ओम श्री साईनाथ नमः इस पवित्र मंत्र का 11 बार नामस्मरण करना है। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। गणपति बाप्पा के भक्त हो तो आपको ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का नामस्मरण करना है। हमें रात को सोने से पहले किसी भी इष्ट देवता का नामस्मरण करना होता है। इस मंत्र का जाप 11 बार या हो सके तो अधिक भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना ही है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनमें भी ये आदत डाल सकते हो। छोटे बच्चे मंत्र जप नहीं कर सकते तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हेन वासुदेव, आप इसे 1 से 2 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसलिए यदि हम रात को सोते समय भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे जीवन की कई समस्या बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाती है। इस उपाय से कोई समस्याओं का समाधान होगा, इसलिए आप भी रात को सोते समय इस पवित्र मंत्र का जाप करें। साईं से रिश्ता जोड़ने के लिए सीडी टीवी को सब्सक्राइब करें। सीडी टीवी के नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओम साईं राम।